नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन डिश बाई देव में। आज हम बनाएंगे मक्के के आटे के हलवा। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मक्के का आटा लिया है, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम घी, ड्राई फ्रूट्स का मैंने पाउडर बना लिया है, इसमें काजू और बादाम का पाउडर है, कटी हुई नारियल, ये सूखी नारियल है, आप कच्चे नारियल भी ले सकते हैं, 4 इलायची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे चूल्हे पर फ्राई पैन रख दिया था पहले ही। अब हम डालेंगे घी, घी को हम पिघलने देंगे। हमारा घी पिघल चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे मक्के का आटा। मैंने 100 ग्राम आटे में 100 ग्राम घी लिए है, अगर आपको घी ज़्यादा लगते हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं। अब हम मक्के को धीमी गैस पर भूनते रहेंगे जब तक कि हमारे मक्का अच्छे से भुन नहीं जाते। मक्के के आटे को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से चिपक सकते हैं। हमारे मक्के के आटा भून चुके हैं, अब हम इसमें आधी कप पानी डालेंगे। और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे मक्के के हलवा थोड़ा दानादार बन जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स पाउडर। बारीक कटी हुई नारियल, कुटी हुई इलायची, आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दूध। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मक्के के आटा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इस आटे को 5 मिनट के लिए ढक देंगे। मिनट हो गए है, अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मक्के में से पानी और दूध दोनों सूख गए हैं और मक्के में से घी निकलना शुरू हो गई है, यानी हमारे मक्का अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, आप चीनी की जगह पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा। चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी चीनी पिघलने लगी है, चीनी से हल्का पानी आने लगी है। अब हम हलवे को 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारा चीनी का पानी भी अच्छे से सूख जाए और इसके साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाए। हमारे हलवे में से चीनी का पानी भी सूख गया है और घी भी अलग होने लगी है, हल्की हल्की खुशबू आ रही है और पैन में चिपक भी नहीं रहे, यानी कि हमारे हलवा तैयार है। अब हम इसे किसी बर्तन में उतार लेंगे। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।